News 18, India. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी में यूपी में 17 सीटों की डिमांड की थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने अब मान लिया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भी भेजा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया तो फिर वो राहुल की न्याय यात्रा में कोई भी सहयोग नहीं करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों के बीच में एक बार फिर से छन गई है। कांग्रेस को 17 सीटें समाजवादी पार्टी देने वाली है, ये बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो पत्र लिखा गया है अखिलेश की तरफ से, कांग्रेस ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ये सब कुछ ठीक होगा, सब सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब आपको दो लोकसभा चुनाव की स्थिति दिखाते हैं और ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और साथ साथ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। चलिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करिए लोकसभा चुनाव की 2014 की, तो कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 67 सीटों पर लड़ी थी लेकिन एक ही सीट उसके हाथ आई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो 78 सीट पर लड़ी थी, 5 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव 2014 की हम बात कर रहे हैं, वहीं अगर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी और 5 सीट जीती थी 2019 लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 की अगर बात करें तो कांग्रेस को 8% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6% वोट जबकि समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिले। बड़ी खबर दिल्ली से जो मिल रही है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु जाने वाले हैं। यहाँ वो अपने धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। खबर यही है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बताया ये भी गया कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाएंगे। राहुल की यात्रा के पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ साथ ही नकुलनाथ दोनों भोपाल में रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इस बैठक में नहीं नजर आएंगे कमलनाथ। बताया ये जा रहा है कि वो अपने गुरु से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं आज। और इससे पहले बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने घर पर समर्थकों के साथ एक बैठक की है। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि न तो कमलनाथ और न ही नकुलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा काफी करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कमलनाथ का अपमान होगा वो पार्टी छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ूंगा, उनका बयान सामने आया है। और अब नेता कमलनाथ के बारे में ये कहते हुए नजर आए कि अपने घर पर समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि न तो कमलनाथ और न ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाएंगे, जिसका साफ तौर पर मतलब ये है कि जो अटकलें थी, जो अफवाह थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक और पूर्व सांसद सज्जन वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कमलनाथ से आपकी लंबी मुलाकात हुई, आपकी और पार्टी के दूसरे नेताओं की, कांग्रेस में बने रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान हैं, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आज 1.5 घंटे उसकी बैठक ली उन्होंने, न्याय यात्रा राहुल जी की मध्य प्रदेश में कैसे सफल होगी, 2 आम सभाएं कैसे मजबूती से सफल करेंगे और 29 लोकसभा सीट पे कैसे जाति समीकरण बैठेंगे, इस पर 1.5 घंटे लंबी चर्चा होगी। बीजेपी में नहीं जाएंगे और भोपाल जाके वो बैठक भी लेने वाले हैं। नकुल नाथ जी चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा। अंतिम सवाल, यानी दोनों कांग्रेस में ही रहेंगे बीजेपी जाने का सवाल? कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का हाईकमान है। तो ये थे हमारे साथ सज्जन वर्मा, कांग्रेस में ही बने रहेंगे दोनों बाप बेटे यानी कमलनाथ और नकुलनाथ,
बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और वही कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने भी यह दावा कर दिया कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनसे चर्चा भी की है। आज जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। कल मैं खुद भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ के सभी माननीय विधायक हैं, वहाँ की जो अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं, वहाँ के सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ उनके निर्देश द्वारा जो भी वो अपने सुझाव देंगे उस हिसाब से वो यात्रा चलेगी और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे। बाद उसकी एक ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12 फीसदी के बीच आरक्षण दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। तो ये बड़ी अपडेट है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर ये बड़ा फैसला किया। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12 फीसदी के बीच आरक्षण दे सकती है, जिसकी मांग बहुत पहले से उठाई जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। 12 साल में 30 से ज्यादा बार आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जा चुका है। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया कि मराठा आरक्षण के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी और ना ही किसी और के आरक्षण में कटौती होगी। पहले से 52% रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएच जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है वो, यानी कि 62%। अगर आप लोग मिनिमम 10% भी देते तो 72% हो जाता है। तो लगता नहीं कि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से मामला लीगल लड़ाई में अटकेगा? देखिए, हमारी कोशिश है कि लीगल इसमें न फंस जाए ये इशू, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके बारे में हमारी सब वर्किंग चालू है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी और के आरक्षण को धक्का नहीं लगता है, किसी और दूसरा कोई सफरर नहीं होता है तो कोर्ट में जाने की कोई जरूरत लगेगी ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए हम सभी बातें सामने रख के सब प्रिकॉशंस लेके किसी और का नुकसान न करते हुए ये समाज को बेनिफिट कैसा मिले, ये हमारी कोशिश चल रही है और उसमें हमको कल अधिवेशन में निश्चित तौर पे यश मिलेगा। सर आखिरी सवाल, सर मनोज जानगे पाटिल ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी, उनका कहना है कि अगर जो भी फैसला होता है अगर उनके मन रूप हुआ तो वो जश्न मनाएंगे, अगर उनके मन स्वरूप नहीं हुआ तो किस तरह को फिर से धरने पे बैठ जाएंगे? देखिए, ऐसा निगेटिव सोचना जारंगे पाटिल जी ने, ये ठीक नहीं है। इतना फास्ट काम ये मराठा इशू आरक्षण इशू में गवर्नमेंट कर रही है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है लॉ फ्रेम में बैठ के वो करने का गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है। अभी जारंगे पाटिल जी कह रहे थे सेशन ले लो, अभी एक दिन का सेशन कॉल किया है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा निगेटिव सोचना ये उचित नहीं है। हमारा आज भी रिक्वेस्ट रहेगा जारंगे पाटिल जी को कि ऐसा निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट पॉजिटिवली आगे जा रही है, गवर्नमेंट मराठा समाज की हित का डिसीजन लेने जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट को जारंगे पाटिल जी ने सहयोग और कोऑपरेशन करना चाहिए। और अब आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस वर्ग को क्या आरक्षण दिया गया है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको पूरा डेटा बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो 28%, जबकि एसटी एससी वर्ग की बात करें तो 24%। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें तो 10% दिया गया है, जबकि अगर कुल आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 62% हो जाता है। आज मराठा आरक्षण की जो पहेली है वो सुलझेगी, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है, किस वर्ग को कितने प्रतिशत जो कोटा है वो दिया गया है, आरक्षण दिया गया है।
और बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह बर्फबारी हो रही है। इससे वहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तराखंड के औली, मनाली, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां पर नजारे अब और भी मनमोहक हो गए हैं। उधर सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। तो पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, हर जगह बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी वहां पर पहुंचे, जाहिर सी बात है वो खुश इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी और कैसे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।